आज का परिप्रेक्ष्य है आज के वीडियो इस लेक्चर का कि आप शायद आप सभी लोगों को संज्ञान में आ चुका होगा, नहीं आया है तो भी ये संज्ञान में आ जाएगा कि मैं इस वीडियो लेक्चर का आज का उद्देश्य झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञप्ति PCS की जारी की गई है उसकी जानकारी देने के लिए। और मैं आपको थोड़ा सा फटाफट बता देता हूँ कि पिछले कई वर्षों से झारखंड लोक सेवा आयोग में वैकेंसीज नहीं रही हैं और एक बार फिर, हालांकि देखा जाए तो 2000 से लेकर अब तक 20 साल की यात्रा में उत्तराखंड हो झारखंड हो, ये दो स्टेट्स कम से कम इस लिस्ट में आते हैं, जब 6 बार उत्तराखंड और लगभग इतनी बार ही झारखंड में ही भर्ती हो पाई और हर भर्तियां कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी का शिकार रहीं। फिलहाल खुशी की बात उन प्रतियोगियों के लिए जो लंबे अरसे से प्रतीक्षा कर रहे हैं झारखंड PCS परीक्षा को लेकर, वो चाहे बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, उत्तराखंड के हों या कहीं के भी हों, झारखंड के हों, उन सभी के लिए एक अच्छी खबर तो है कि 267 PCS की वैकेंसी आई हुई है। और इसमें 2017-18 और 2019 का क्लब वैकेंसी है। और एक महत्वपूर्ण बात जो बताएं कि जनरली उप जिलाधिकारी SDM के पद को लेकर, जहां वहां पर उप समाहर्ता बोला जाता है, DM को समाहर्ता बोला जाता है, तो 82 पद हैं और कुल मिला के अलग अलग तरीके से इसमें 267 पद हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है, हालांकि इसकी 30 मार्च तक लास्ट डेट है, आप 1 मार्च से इस फॉर्म को भरिए और 30 मार्च के भीतर तक इसको भर लेना है। 30 मार्च को जो लोग फॉर्म भरेंगे उनको लिए 1 अप्रैल तक का फीस जमा करने का इसमें टाइम भी है। फिलहाल आप पहले कर लें, इतना देर क्यों करेंगे, वैसे भी इंतज़ार इतना लंबा किए हैं तो देरी क्यों करेंगे भाई, जाहिर सी बात है कि आप इसको शीघ्र करना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में मैं सिलेबस को लेकर एक दृष्टिकोण डाल देता हूँ। हम जो अदर स्टेट्स की तुलना में यहाँ पर जो चीज़ पाते हैं उसमें एक अंतर ये पाते हैं कि यहाँ जो सिलेबस है वो बाकायदा डिफाइन है कहाँ से क्या आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, एंशियंट इंडिया से 5 क्वेश्चन, मेडिवल इंडिया से 5 क्वेश्चन, मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चन, यानी हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ये तय है। उसके बाद ज्योग्राफी में कहता है, जनरल ज्योग्राफी की बात करता है, फिजिकल ज्योग्राफी की बात करता है, 3 क्वेश्चन। फिर कहता है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन और सोशल एंड जो डेमोग्राफिक ज्योग्राफी उसमें से 2 क्वेश्चन की बात करता है, यानी कि 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री से, मतलब हो गया 25 क्वेश्चन। उसके बाद इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। मैं चूँकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टीचर हूँ, गुड गवर्नेंस भी पढ़ाता हूँ, पॉलिटी भी पढ़ाता हूँ, एथिक्स भी पढ़ाता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस भी पढ़ाता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इसमें भी अलग अलग डिफ्रेंशिएशन है। और डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही जा रही है, पंचायती राज एंड म्यूनसिपलिटी की बात, यानी कि नगर निगम वगैरह की बातें, दो क्वेश्चन इसमें भी बात कही जा रही है। हालांकि इसके क्वेश्चन जोड़ेंगे तो सिर्फ इसमें भी 10 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस में, 4 हैं और 2 हैं और बाकी जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से भी आपके 4 क्वेश्चन। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 10 क्वेश्चन हैं, इसको उसने डिफाइन किया है, अलग अलग बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू की बात करता है और इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करता है, 4, 4 और 2 क्वेश्चन की। आप सिलेबस इंटरनेट पर जाइए, उनकी वेबसाइट पर झारखंड लोक सेवा आयोग पर, आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के उसको बाकायदा देखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन है, यानी 15 क्वेश्चन इतिहास से, 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से, बाकी से 10-10 क्वेश्चन दिखा रहे हैं। बाद में कहते हैं झारखंड स्पेसिफिक जो जनरल अवेयरनेस है उससे भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल क्वेश्चंस आप मिसलिनियस नेचर एंड जो उसका मिसलिनियस मतलब अवार्ड है, खेल है, कूद है, तमाम चीज़ें, उससे भी 15 क्वेश्चंस रहेंगे। हालांकि इसमें लिखा हुआ, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, इकोलॉजी एनवायरनमेंट से हो या अर्बनाइजेशन से हो, स्पोर्ट्स से हो, डिजास्टर मैनेजमेंट से हो, पॉवर्टी यानी अनएम्प्लॉयमेंट से हो, अवार्ड्स हो, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज की कोई बड़ी बातें हुई हूँ उनसे जुड़े ये क्वेश्चंस हैं। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पेपर, यानी कि इन टोटल क्वेश्चन को जोड़ दिया जाए तो जो आप 15 15
30 हो जाता है, 10 40, 40 को 15 करिए 45 हो, 40 से 15 करेंगे 55 हो जाएगा, 55 और 10 करेंगे 65, 65 10 75, 75 और 10 85, और इतिहास का 15 जोड़ देंगे 100 क्वेश्चन। यानी ये डिवाइड कर दिए, एक अच्छी बात मैं समझता हूँ कि तैयारी करने वाले के लिए एक बेहतर बात है कि पता तो है कहाँ से क्या आएगा, तो 100 क्वेश्चन ये हो गया। और 100 क्वेश्चन आपका सेकंड पेपर में है, और सेकंड पेपर को आप देखेंगे जो जैसे सी साइड हम लोग कहते हैं ना यूपी पीसीएस में यूपीएससी में, तो वहाँ जनरल स्टडीज सेकंड पेपर में झारखंड ओरिएंटेड सारे सवाल हैं। वेबसाइट को आप देखिए, जैसे मुंडा शासन व्यवस्था यहाँ पर भी कह रहे हैं एक प्रश्न पूछेंगे, नागवंशी शासन व्यवस्था, फलाना माझी परगना मुंडा, मतलब वहाँ झारखंड से जुड़े हुए सारे सवालों को देखेंगे। इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप इसको बाकायदा देख लीजिएगा। झारखंड आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य संगीत, वाद, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, इस तरीके से करते करते इसमें आप देखेंगे 100 क्वेश्चन इसमें भी आपको मिलेंगे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ और आगे बढ़ रहा हूँ। 1050 नंबर का वहाँ का मुख्य परीक्षा है, और मुख्य परीक्षा में एक तो जनरल हिंदी का पेपर है जनरल इंग्लिश के साथ, 50-50 मार्क्स के रहेंगे, 3 घंटे, यानी थोड़ी अंग्रेजी भी आनी चाहिए और हिंदी भी। और दूसरा मैं एक बात कर रहा हूँ, तो इसमें लिखा है कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर में 14 लैंग्वेज एंड लिटरेचर है जिसमें उड़िया वगैरह सहित हिंदी, तो एक तरफ हिंदी में 50 नंबर यहाँ मिलेगा, सेकंड पेपर में भी आपका 150 नंबर का जो है उसमें भी पूरा हिंदी करना है। मतलब हिंदी अगर आप सीख लेते हैं तो यहाँ पर 300-250 में 200 नंबर का हिंदी है, दो पेपर है वैसे, एक तो हिंदी अंग्रेजी का पेपर है जो 100 नंबर 50-50 नंबर। फिर आता है कि कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं, जाहिर है आप हिंदी मीडियम वाले हिंदी, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी लेंगे, उड़िया वाले और कहाँ वाले क्या लेते हैं, बट हिंदी भाषी के लिए मैं बताऊँ तो हिंदी लेंगे। तो हिंदी में आप जाहिर सी बात है कि ये 150, हालांकि मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ कि जो 14 लैंग्वेज हैं उसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज आप ले सकते हैं। वैसे देखा जाए कि संविधान की सूची में जो 22 भाषाओं का उल्लेख है उसमें अंग्रेजी का उल्लेख नहीं है, बट यहाँ 14 जो भाषाएं उसमें अंग्रेजी है, आप ले सकते हैं। सेकंड पेपर, अब थर्ड पेपर आएंगे, सब 200-200 नंबर के, 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर हैं, यानी कि है तो सब सिविल सर्विसेज की तरह, लेकिन ऑप्शनल पेपर यहाँ पे नहीं, यानी 4 GS कर लिया जाए तो बात ख़त्म हो जाती। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4-6 पेपर का मेंस है, बाकी इंटरव्यू है। तो कुल मिला के इसका जो पूरा एक जनरल परिप्रेक्ष्य है कि प्रीलिम्स बहुत डिफाइन है, 30 मार्च तक लास्ट डेट है, आपको फॉर्म भर लेना है, और आपको फॉर्म भरने में सावधानी भी बरतना है, और सावधानी तब बरतेंगे जब आप समय से भरेंगे। और इसलिए कहा जाता है ज़्यादा समय लेके चलेंगे तो कम गलतियाँ करेंगे, और फॉर्म जैसी चीज़ों में गलतियों को सोचना भी नहीं चाहिए। और 150 रुपये इसकी फ़ीस है, और जैसा कि इसका नॉर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं, आप सिंपली क्या करें, वेबसाइट पे जाएं झारखंड की, डाउनलोड करें, 14 पेज का मैंने इसको निकाला है, तभी वहीं से देख के बता रहा हूँ, 14 पेज का ये कागज़ आपको निकलेगा, प्रिंटआउट निकालिए, इसको पढ़िए। 17-18-19 की वैकेंसी है, 267 वैकेंसी है, 82 SDM के पद हैं, 35-40 में एज होनी चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा डिटेल पढ़िएगा कि 2019 अगर 17 से होता तो जनरली ऐसा होता कि 17 से 35 साल होगा, 19 से भी 35, यानी कि अगर ऐसा है तो बारीक से अध्ययन करके इसको देखिए कि 37-38 वाले क्या 35 मार रहे हैं अगर 17 से वैकेंसी है। तो ये सब पूरी जानकारी आप डिटेल में करके अच्छे से फॉर्म भरिए और प्रिपरेशन में लग जाइए। आप काफ़ी वेट कर रहे होते हैं, और आगे आने वाले दिन जैसे 12 तारीख को, अभी 12 फरवरी को सिविल सेवा की वैकेंसी आई, अब आपके सामने अभी फरवरी एंड नहीं हुआ, झारखंड की वैकेंसी है, उत्तर प्रदेश की भी वैकेंसी आएगी जिसका 21 जून को प्रीलिम्स है। तो आप सिलसिलेवार तरीके से पढ़ते हुए अपना इसको कार्यक्रम को निपटाइए। आज के लिए ये छोटा सा जो कार्यक्रम था इतना पर्याप्त है, और आप अपना फॉर्म भरें, तैयारी करें, बेस्ट ऑफ लक, गुड, थैंक यू।